अभी अपने यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस। कांग्रेस, बीजेपी, पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग तरह के पॉलिटिशियंस, उनके अलग अलग स्पीचेस। लेकिन सबके बीच में ना कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं, नूब पॉलिटिशियंस कह लो, जो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। वैसे तो अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे होते या नौटंकी कर रहे होते तो मैं शायद ये वीडियो क्रिएट ही ना करता। और बात सिर्फ नौटंकी तक रुकती नहीं है, हमारी जो नॉर्मल जनता है, बेचारे सीधे साधे लोग है ना, उनको परेशान करने का काम ये स्टार्ट कर देते हैं। मुझे ऐसी एकदम स्पाई वाली फीलिंग आई, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करा मैंने, बहुत ही सिंपल सी चीज थी, बस कुछ डॉट्स कनेक्ट करे और सारे डॉट्स कनेक्ट करके ना एक ही जगह पे लैंड कर रहे थे। मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। पहला केस मैं बताता हूँ आपको, श्याम रंगीला का। जिनको नहीं पता श्याम रंगीला क्या है, कि अभी बनारस से मोदी जी के खिलाफ उसने इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ अपनी नॉमिनेशंस वगैरह फाइल करी होंगी और उसका जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट हो गया। अब इस सबके बीच मेरे को पहले ये लगा कि भाई एक कॉमेडियन है और उसको कुछ खास नाराजगी है बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो बंदा अपना जो है पार्टिसिपेशन कर रहा है। लेकिन जब उसने अपने वर्ड्स को बोलना शुरू करा ना कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है, हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ है। क्या मोदी के वक्त, मोदी वक्त है निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को, यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है, वगैरह वगैरह वही ध्रुव राठी की सस्ती वीडियोस देख के आ जाते हैं। जब वो मैंने सारा कुछ सुना ना, तो पहले तो मेरे को ये लगा था कि भाई हो सकता है बंदे को नाराजगी हो या फिर वही सेम स्ट्रेटेजी लोग यूज करते हैं, मोदी जी को टारगेट करना शुरू कर दो, आपके व्यूज, सब्सक्राइबर्स, आप पॉपुलर हो जाओगे। ध्रुव राठी और ऐसे पता नहीं कितने 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए इन्होंने। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ी सी रिसर्च करनी स्टार्ट करी तो श्याम रंगीला साहब के फोटोज मिले अरविंद केजरीवाल के साथ। फिर और थोड़े देखा तो पता चला कि इन्होंने तो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी थी और जब राजस्थान में इलेक्शन हुए थे तो वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और श्याम रंगीला के ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे जिसका कोई सेंस नहीं बनता, कि आम आदमी पार्टी मेरे को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी पे ब्लेम नहीं लगाती। श्याम रंगीला कह रहा था कि राजस्थान में लोग जो है ना वो अब चेंज चाहते हैं, वो अब आम आदमी पार्टी को चांस देना चाहते हैं। जब इलेक्शंस हुए तो इन्हीं के ही, जो ध्रुव राठी जैसे लोगों की फेवरेट न्यूज पोर्टल है द वायर, तो उन्हीं का ही लिखना था कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट नोटा को मिले। अब यहाँ से क्या हुआ कि श्याम रंगीला साहब की डेस्परेशन आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी की तरह, इनको है ना कि भाई जल्दी से जल्दी हमें हर स्टेट में फैलना है, हमें सेंटर की पॉलिटिकल पार्टी बननी है, ऑलमोस्ट इनके सारे ही पॉलिटिकल लीडर्स में वो डेस्परेशन देखने को मिल जाती है। अब यही डेस्परेशन श्याम रंगीला के अंदर भी थी, तो इनके साथ क्या हुआ होगा, इन्होंने ध्रुव राठी की वीडियो देख ली, इनको आइडिया आया कि मोदी जी के नाम पे जब ध्रुव राठी पॉपुलर हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। ये पहुंच गए बनारस और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मोदी जी के खिलाफ खड़े होने के लिए। और स्टार्टिंग में इस बंदे ने क्या बोला कि भाई मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि सब जो है अपना नाम वापस ले ले और मोदी जी बिना किसी अपोजिशन के जीत जाए। और वहां पे पता नहीं कितने सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी खड़े हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है, लेकिन ये बंदा फिर भी नामांकन ऐसे भर रहा था, सोशल मीडिया पे एक एक अपडेट दे रहा है, सोशल मीडिया पे इसके फॉलोअर्स भी ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं इस पूरे टाइम में, और बाद में जो इसका नामांकन है वो रिजेक्ट हो गया। अब वही चीज, नामांकन रिजेक्ट हुआ तो इलेक्शन कमीशन को ही थोपना है सारी बातें। फिर इसने वही फंडामेंटल राइट्स का ढोल बजाना शुरू कर दिया। एक तो बड़ा अजीब लगता है कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स को ना फंडामेंटल नहीं समझा जाता, एक प्रिविलेज समझा जाता है जिसे जनता यूज करती है। जैसे अगर ये बोला जाए कि भाई कोई भी देश का जो नागरिक है वो इलेक्शन लड़ सकता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे इलेक्शन लड़ सकते हो। अगर तुम 10,000 बंदे एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने पहुंच जाओगे तो कैसे मैनेज करेगा इलेक्शन कमीशन। और ये सभी को पता है कि श्याम रंगीला का कोई चांस नहीं था वहां से थोड़े बहुत वोट्स लेने का भी, इनफैक्ट जो जमानत थी वो भी जब्त हो जाती, पर नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो गई अगर इसका नामांकन रिजेक्ट हो गया तो। और नामांकन रिजेक्ट होने का भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा, लेकिन इनको वो स्टार प्लस का नाटक ड्रामा क्रिएट करना है। और ऐसा एक सीन नहीं है, और भी बहुत सारे केस हैं। एक और केस बताता हूँ आपको, ये वीडियो आपकी फीड में कभी ना कभी जरूर आई होगी। रात के 1 बज रहे हैं, मेरे जस्ट पास में बोगी में, आई एम ट्रेवलिंग इन सेकंड क्लास AC, 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं, गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा, देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे और दारू पी रहे हैं। आप यहाँ पे आओ, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे हैं, आप देखो यहाँ पे, प्लीज सी दैट, वो दारू का बॉटल पड़ा है, ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये वीडियो मेरे भी सामने आई, बड़ा सही काम कर रहे हैं और कमेंट में भी आ रहा है कि आप बहुत बहादुर हो मैम, आपने बड़ी हिम्मत का काम करा। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से डॉट्स यहाँ पे भी कनेक्ट करने की कोशिश करी, मैंने मैम का नाम ढूंढने की कोशिश करी, नाम मिल गया, गायत्री बिश्नोई। अब इनका जो है ट्विटर पे जाके नाम सर्च करा तो ऑफकोर्स वही हुआ जो मेरे को एक्सपेक्टेड था, DP में सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की फोटो, इनकी खुद की फोटो भी नहीं, अरविंद केजरीवाल की फोटो, वो भी जेल की सलाखों के पीछे वाला जो पूरा इनका, और साथ में बायो में बड़ा बड़ा लिखा हुआ कि राजस्थान की प्रेसिडेंट है विमेन विंग की। और
बीच में सिर्फ आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल और कोई नहीं। ये डॉट भी सीधे कहाँ पे आगे कनेक्ट हुआ, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी। एक और केस बताता हूँ आपको, आपको याद होगा दिल्ली में जो केस हुआ था जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जो सरबजीत सिंह का केस था। जिनको नहीं पता है मैं समझा देता हूँ एक बार, कि वो अपनी बाइक से दिल्ली में ट्रेवल कर रहे थे। अब इन्हें एक चौक से लेफ्ट जाना था, ट्रैफिक लाइट्स ऑन थी, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं ये सीधे लेफ्ट निकल जाते हैं, वो लाइट्स वगैरह नहीं देखते। तो जैसे ही इन्होंने निकलने की कोशिश करी सरबजीत सिंह ने, तो एक लेडी थी जसलीन कौर उनका नाम था, उन्होंने उनकी बाइक पे हाथ रख दिया और रोक लिया। उन्होंने इस तरह से शो किया कि लाइट जल रही है, किधर जा रहे हो। सरबजीत भाई ने आगे से जो रिएक्शन नॉर्मली कोई किसी भी इंसान का होता है कि आप अपने काम से काम रखो, लेकिन इतने में ही जसलीन कौर हो गई ऑफेंड, फोन वगैरह निकाल लिया, पिक्चर्स क्लिक कर ली और कुछ लोगों को फोन करके बुला लिया। इसे याद रखना, कुछ लोगों को फोन करके बुला लिया। पिक्चर क्लिक करी जा रही थी तो सरबजीत सिंह ने एक वी साइन बनाया कि जब फोटो ले ही रहे हो तो अच्छे से फोटो लो। पूरा इंसिडेंट यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन सरबजीत भाई इससे पहले कि अपने घर पहुंचते, उनकी एक लंबी चौड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पे डल चुकी थी और वायरल होनी स्टार्ट हो गई थी बहुत लंबे कैप्शन के साथ। और कुछ ही घंटों बाद पूरे न्यूज पे ये बात फैल गई, मीडिया में फैल गई और सरबजीत भाई को दिल्ली का दरिंदा, पापी, ये वो पता नहीं क्या क्या जो है करार कर दिया गया। सरबजीत भाई को जेल भी जाना पड़ा। मामला तो ऑफकोर्स ठंडा होना ही था, लेकिन सरबजीत भाई ने यहाँ पे हार नहीं मानी। सरबजीत भाई गए कोर्ट, कोर्ट में लड़ाई की और कोर्ट में लड़ाई के दौरान बंदा जो है अपनी लाइफ की नौकरी वोकरी सब चली गई, जेल भी चला गया, बदनामी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन कोर्ट केसेस में जो जसलीन कौर थी वो पहुंचती ही नहीं थी और रीज़न देती थी कि भाई पढ़ाई करनी है, बिजी हूँ। सामने वाले की लाइफ ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी है लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजी हो। बाद में फिर कोर्ट ने सरबजीत सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। यहाँ तक ये स्टोरी तो मेरे को ऑलमोस्ट पहले से पता थी, लेकिन उसके बाद मेरी सरबजीत भाई से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मुझे पता चले वही चीज़ें जो बार बार डॉट्स एक ही जगह पर कनेक्ट हो जाते हैं। जसलीन कौर जो थी वो कहीं ना कहीं उनके जो कनेक्शन थे वो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी से थे, क्योंकि जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि उन्होंने फ़ोन करके जो लोगों को बुलाया था वो सारे लोग या तो झाड़ू के बैनर्स ले रखे थे उन्होंने, या फिर टी शर्ट्स पहन रखी थी जिन पे झाड़ू का निशान था, जो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी का निशान है। और सरबजीत भाई का कहना था कि जसलीन कौर या उनकी जो मदर है उनका भी कोई ना कोई आम आदमी पार्टी से कनेक्शन था। और ऐसा नहीं है कि मैं सीधे सीधे हवा में बोल दूंगा, ये आप न्यूज़ में भी पढ़ लेना, अरविंद केजरीवाल जी ने जसलीन कौर को यहाँ पे अवार्ड तक दिया था जबकि कोर्ट में केस वो हार गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक तो आपका ध्रुव राठी खुद ही केस है, उस बंदे ने आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गाना भी लिखा है, उस बंदे ने आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के फेसबुक पेज के लिए पोस्ट्स भी करी हैं, उसने दिल्ली के स्कूल्स को प्रमोट भी करा है, उनकी पीआर करी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत पब्लिसाइज किया जाता है इन्हें, कहा जाता है केजरीवाल सरकार के द्वारा कि इन्हें वर्ल्ड क्लास बना दिया गया। ये एमपी हॉल दिखता है, एयर कंडीशन है, चारों तरफ इसमें एसी लगे हुए हैं और वहां पर एक स्टेज है जिसको सजाया गया है। उस आदमी ने शायद ही किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया होगा आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियंस के अलावा। स्कूल में डेवलपमेंट हुआ है, स्कूल में चेंजेस आए हैं। एक तो ये हो गया कि आपने बजट बढ़ा दिया एजुकेशन का, इसलिए आप ये अच्छे डेस्क खरीद पा रहे हो, आप अच्छी बिल्डिंग बना पा रहे हो, यहाँ पर प्लेग्राउंड्स अच्छे कर दिए, सब कर दिया। लेकिन जब वो क्राउड में आता है तो सीधे सीधे मुंह पे झूठ बोल देता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। पॉलिटिशियंस तो ऑलमोस्ट सारे ही सेम होते हैं, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। जब वोट मांगने आते हैं तो पैर छुएंगे बड़े बुजुर्गों के, सबसे आदर से बात करेंगे, बच्चों को गोद में लेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद शायद आप उनके ऑफिस जाओ तो आपको एक चाय तक ना पूछे, या फिर आपको घंटों तक वेट करा दे वो लोग। लेकिन इस सब में ना पॉलिटिशियंस जब वोट मांगने आते हैं तो आपके पैर छूते हैं, भले ही चाहे वो नकली छूना हो लेकिन छूते हैं, तो उसमें ना कोई हार्म नहीं करते वो किसी इंसान को। लेकिन यहाँ पे जितने भी डॉट्स कनेक्ट हुए हैं ना, चाहे वो ट्रेन वाला इंसिडेंट हो, चाहे वो सरबजीत भाई वाला इंसिडेंट हो, ये सारे के सारे सोसाइटी में अपनी पीआर कराने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब सरबजीत भाई वाला केस तो ऐसा केस है, मतलब भाई आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उठाने के लिए, अपने लीडर्स की पीआर करने के लिए किसी और की लाइफ के साथ कैसे खेल सकते हो, उसका कौन जवाब देगा। ऐसे ही जो ट्रेन वाला इंसिडेंट है, भाई हमारे देश में अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना शुरू कर दो आपको आगे से अल्कोहल ऑफर करी जाएगी, लेकिन ट्रेन में अगर कोई गरीब बंदा मिल जाएगा ना तो उसको आप एकदम से टोक दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आगे से कुछ नहीं बोलने वाला है। ऑफकोर्स वो गलत कर रहा है, ट्रेन में पी रहा है गलत कर रहा है, लेकिन वो गरीब है इसीलिए आप बोल पा रहे हो, अमीर होता ना तो आप कुछ नहीं करते। और ये जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था ये भी कहीं ना कहीं राजस्थान का जो असेंबली इलेक्शंस थे उसी के आसपास हुआ था। तो ये जो सारे स्टंट्स हैं ना, ये देश को सुधारने के लिए नहीं करे जाते, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पीआर के लिए करे जाते हैं। और सारे के सारे डॉट्स जो है वो कनेक्ट होके एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास आते हैं। अभी रिसेंटली स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर है, जिन लोगों को पता नहीं होगा वो अन्ना हजारे के टाइम से वन ऑफ द स्टार्टिंग मेंबर है, उन्होंने अभी क्या एलिगेशंस लगाए कि अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पे स्वाति मालीवाल के साथ वहां पे असॉल्टमेंट हुआ है बाय अरविंद केजरीवाल्स पर्सनल असिस्टेंट।
खैर ये तो इंसिडेंट इनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर का है, जो करें उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन उसके अलावा जितने भी ये स्टंट्स करे जाते हैं ना अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पीआर करने के लिए, ये इंसिडेंट ना सीरीज के साथ चल रहे हैं, आने वाले टाइम में भी शायद आएंगे ये आपके सामने। तो ये वीडियो बस ये बताने के लिए है कि ऐसे अगर इंसिडेंट सामने आए ना तो एक बार ध्यान जरूर कर लेना कि उस इंसिडेंट में जो बंदा शामिल है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी से वो कोई कनेक्शन नहीं रखता तब तो ठीक है, वो सीरियस लेने लायक है। अगर कनेक्शन रखता है ना तो वो सिर्फ अपने कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाई रखी है उन्होंने, पीछे से अच्छी खासी फंडिंग है, तो वो तो करते रहेंगे, उनको सीरियसली नहीं लेना।